वेल हेलो देयर, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मेराई बगो सोलो सीरीज। तो कैसे हो गाइस तुम सभी लोग? होपफुली तुम सभी लोग बढ़िया होगे। ओके गाइस, तो अभी तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, ठीक है, कि ये वाला कौन सा लोकेशन में ये आ गया सोलो को लेकर ऐसे करके। तो देखो, तुम्हें याद होगा मैंने 100 डे बनाया था, तो उसमें ज़्यादातर टाइम देना पड़ रहा था एंड उसके साथ मल्टीप्लेयर भी सीरीज चल रहा था, तो मैंने थोड़े दिनों के लिए अपने सोलो में लॉग इन नहीं किया था, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था ना। तो इसमें यार मेरा पूरा वहाँ का सभी बेस को वाइप कर दिया गया था, तो यार मुझे मजबूरन ये वाली जगह पे बनाना पड़ा, और जो कि सही हुआ। मतलब हाँ, मैंने मेहनत तो किया लेकिन उतना बुरा नहीं लगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये वाले लोकेशन पे ना बहुत सारे मेटल्स हैं गाइज, इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया। और ये डायनोज ना मेटल को भी, आई मीन मिराई बोज, साला रेबल फिर बोलेगा तू डायनोज बोल रहे मिराई बोज को करके, तो क्या बोलते हैं ये मेटल्स इसमें कलेक्ट कर देते हैं ये तोड़ तोड़ के। और फिलहाल वुड वाले मैंने सारे मिराइबोस को ऑफ कर रखा, क्योंकि वुड की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। ये देखो मेटल के ओर्स हैं और ये बेस एरिया में ना 3 मेटल ओर्स मैंने कवर किया है, तो आप ये देख रहे हो ये तोड़ देते हैं। मैं ऑफलाइन रहता हूँ ना, तो बहुत अच्छे से तोड़ते हैं। प्लस ये वाले लोकेशन में ना गाइज मेरे पास है मेरा खुद का घर, एक थोड़ा सा कॉटेज मैंने बनाया है, छोटा सा कैबिन, उसको भी मैं दिखाऊंगा। एंड ज़्यादातर चीज़ें ना मेरा वो जो सोलो बेस में मैंने बनाया था ना वही सारी चीज़ें हैं, बस लेवल मेरा ज़्यादा है। कॉज तुम लोग कंप्लेंट कर रहे थे यार लास्ट वाले गेम प्ले में कि तुम्हारा प्रोग्रेशन बहुत स्लो जा रहा है, तो अभी अपन फास्ट पेस में जाएंगे, ठीक है गाइज, अपने हर एक प्रोग्रेशन में जल्दी जल्दी टेम करेंगे। मतलब एक एपिसोड में ना 2-3 बॉस को एटलीस्ट अपन कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। एंड उसके साथ मैंने इनहेंस भी कर दिया अपने कुछ, क्या बोलते हैं यार वो जो भी होता है उसको, तो या ठीक है, तो उसमें से भाई जल्दी कैच कर में इजी होता है करने में। बाकी ये देखो मैंने सारे बेंच वगैरह को यहाँ पे बना दिया अपने घर के जस्ट बाजू में, और ये रहा मेरा घर, मैं तुम्हें अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे गाइज 2 चेस्ट है, जिसमें से एक में मैं रखता हूँ अपने वेपन्स का एंड आर्मर्स वगैरह जो भी पुराना हो जाता है ना उसको। बाकी ये मेरे पैल से यार इसमें कूड़ा कचड़ा जमा कर देते हैं, तो चलो मैं बाद में साफ कर दूंगा। एंड इसमें स्किल फ्रूट एंड बीपीज रहते हैं, एंड मेरे को ना तगड़ा तगड़ा ब्लू प्रिंट्स भी मिले हैं गाइज, ठीक है। प्लस उसके साथ ये देखो जायंट इलेक्ट्रिक हैच मैंने रखा था एग हैच करने के लिए, जो कि पूरा हैच हो गया, उसको देखेंगे उसमें से अपन को क्या मिलता है। बाकी ये रहा अपना मेटल पिघलाने का, तो चलो जितने भी मेटल्स हैं ना मैं पिघलाने के लिए रख देता हूँ, 37 और हो रहे हैं, नाइस। एंड ये देखो गाइज इसमें मेरा जो भी मेटल वेटल पिघलाता हूँ ना उसको इसमें रखता हूँ, इस ये रिसोर्स वाला के लिए है, ठीक है, जो अपन बना के जो मिलता है ना उसके लिए है वो। बाकी ये देखो इसमें अंडे वंडे रखे हुए एंड ग्लैंड्स वगैरह है, ठीक है। तो यही है, इतना ही मैंने बेस बनाया है गाइज अभी यहाँ पे, और ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है ना, क्यों यहाँ पे फ्लैट एरिया भी है, प्लस मेटल ओर्स भी अपन को मिल जाते हैं एंड हर एक चीज़ अच्छा है यहाँ पे। बाकी मेरा लेवल देख लो 34 हो चुका है गाइज। और तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगा कि इसने इतना लेवल कैसे कर लिया, पिछले टाइम तो 22 या फिर 24 के पास में था, तो मैंने ज़्यादातर मिराइबो को ना 10-10 कैप्चर करने के बाद इतना लेवल किया, ठीक है। बहुत ईजी होता है गाइज इसमें लेवल, बस तुम्हें 10-10 मिराइबोज को कैप्चर करने पड़ते हैं। तो चलो ये देखो मैं तुम्हें लोकेशन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई बंदा मेरे से लोकेशन पूछ रहा, तो ये वाला लोकेशन है। एंड सर्वर नेम मैं तुम्हें मल्टीप्लेयर एंड सोलो दोनों का नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, नहीं बताऊँगा ही नहीं मैं, तुम मुझे पता है भाई तुम लोग मेरे साथ खेलने के लिए आ जाओगे, बेस में कुछ गड़बड़ कर दोगे या फिर कई बंदे साले मेरे पास बेस बना लेंगे तो भाई मेरे को दोबारा चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं चाहता। बाकी ये देखो अरे क्या मिला ये, पता नहीं यार गाइज कुछ स्काई डांसर करके है, ओके मेरा ही नेम मिल गया, ओके देखते हैं वो है क्या। ओ मेरे सेम नेम मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा मिराइबो हो। बाकी चलो मेरे को फायर मिराइबो चाहिए ना, तो मैं ये वाले एग को हैच करने के लिए लगा देता हूँ, कॉज मेरे को ये चाहिए गाइज साला, उसको देखेंगे अभी स्काई डांसर कौन सा सा। मैं नहीं हूँ भाई, मेरे नेम से कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, स्काई डांसर सारा पता नहीं कैसे कैसे तो नाम है भी मिराइबोस के। बाकी चलो आ जाओ इसको इंसर्ट करते हैं इसको हैच करने के लिए। एंड मेरे पास पोशन वगैरह नहीं है यार, मैंने ना सारा पोशन अपने 100 डे में वो कर दिया। तो हाँ अगर तुमने 100 डे नहीं देखा होगा तो जाके ज़रूर से देखना, उसमें तुम्हें पूरे बायोम का एक्सप्लोरेशन मिल जाएगा उसमें से, इसीलिए इसमें थोड़ा सा स्किप भी हो गया, कुछ मिराइबोस को मैंने कैप्चर कर लिया बॉस वाला, तो चलो आ जाओ देखते हैं। ओके ये है, अरे यार पैसिव स्किल घटिया है गाइस, पूरा माइनस में चला गया इसका। और ये करता है हैंडीवर्क, इसका 3 लेवल के, 2 लेवल का है, हैंडीवर्क 3 है और इसका इलेक्ट्रिक का 3 है और हार्वेस्टिंग 2 का है, मतलब ठीक है, उतना कुछ खास तो नहीं लगा गाइस। आ जाओ देखने में कैसा है, उसको भी देख ही लेते हैं अभी। अरे यार ये जायंट वाले एग से ये क्या बकवास, ये देख रहे हो गाइस ये क्या है यार, मतलब
उतनी बुरी नहीं है, पर मुझे नहीं पसंद आई यार गाइज, ये क्या है बे, जायंट एक्स है एटलीस्ट यार, तुम्हारा ये तो मिलना चाहिए था साला। अरे यार धत तेरे का गाइज, मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, मैं इसको बेस में ही रखूंगा यार, कम से कम हैंडी वर्क और इलेक्ट्रिक तो कर देगी। चलो आ जाओ, अभी ब्लू प्रिंट्स दिखा देता हूँ जो मेरे पास है। कहाँ गया, हाँ ये रहा एक, देखो मेरे को ये मिला है गाइज, वेपन का हैंडगन का है, ठीक है, ये रेयर वाला शायद से, हाँ रेयर है ये, एंड ये आर्मर भी मेरे को रेयर वाला ही मिला है, जो कि है अपना अलॉय आर्मर है, ये जो मैं पहना हूँ ना, वो मेरा भी मैक्स लेवल पे जो आर्मर ओपन है वही वाला है, तो इसका भी बीपी मेरे को मिल गया है। तो चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, एंड पहले अपना गन ही दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देखो ये है अपना वो वाला गन, तो ये रेयर वाला है, ठीक है गाइज, और इसके लिए ना 100 मेटल बार चाहिए, और वो एसेंस वगैरह भी मैं सभी कलेक्ट कर चुका हूँ, और ये है अपना नॉर्मल, तो इसके लिए सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट चाहिए अपन को थोड़ा सा, एंड मेटल 50 ही चाहिए, तो या वो रेयर वाला ही बनाएंगे, कॉज इसका डैमेज ज़्यादा रहेगा, लेकिन ना प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ये एमओ बनाना पड़ेगा, और ये एमओ के लिए ना गन पाउडर चाहिए गाइज, और ये देखो मैं बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देखो मेरे पास अभी एमओ बनाने के लिए गन पाउडर नहीं है, तो जब तक मैं सल्फर लेके नहीं आ जाता ना, तब तक वो मिराइबोज ही बना देंगे। बाकी मैं तुम्हें आर्मर भी दिखा देता हूँ गाइज, ये रहा ये रेयर वाला आर्मर, तो इसे भी बना सकते हैं, मैंने हर एक चीज़ को कलेक्ट कर लिया है, तो चलो आ जाओ अपने आर्मर को बना देते हैं, और इसे भी मैं नहीं बनाऊंगा, इसे भी मेरे मिराइबोज ही बनाएंगे, कॉज अपन चलेंगे दूसरा काम करने के लिए, ठीक है, और मेरा प्लान क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके अब देखो गाइस, लेवल मैंने ज़्यादा किया है ना, लेकिन उसके लिए मैंने अननोन नोन बॉस को ही कैप्चर किया है, अननोन को नहीं, एंड 10-10 कैच करके, बाकी ये देखो ये सारे बॉस बचे हुए हैं, तो यहाँ से जो मेरे लेवल के आसपास है ना, उनको सभी को आज ये वाला एपिसोड में कैप्चर करेंगे, उसके साथ मेरे को वो वाइंड रिवर भी चाहिए, वो भी यहाँ बॉस है, तो नॉर्मल वाले को टीम करने से अच्छा इसी को कर लेते हैं अपन, मेरे को एक फ्लायर भी चाहिए, ठीक है, और जो भी स्नो वाला बायोम है ना उसमें एक्सप्लोर करने के लिए आ रहा है, या एक फ्लायर तो चाहिए, तो स्टार्ट मैं इसी से कर रहा हूँ, तो चलो आ जाओ अपन चलते धीरे धीरे सभी को कैप्चर करते हैं, एंड तुम्हें पता है ना कि कैप्चर रेट को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, वो सेटिंग में पता नहीं यार, कुछ बुक वुक मिलता है उससे मैंने किया, इसीलिए मैं जल्दी से कैप्चर कर सकता हूँ उसको, ठीक है, तो चलो गाइस आ जाओ, और ओके ये सामने में वो जो अपन को एक कैच करना है ना वही वाला है, तो देखते हैं अभी मैं इसी के पास हूँ, तो शायद मुझे इसी को पहले कैप्चर कर लेना चाहिए क्या, करना तो चाहिए, चलो आ जाओ गाइस डंजन में ही चलते हैं, ठीक है, फिर से कहाँ से वहाँ से रिटर्न होके आऊँगा, बेस जाऊँगा उसके लिए सैडल बनाऊँगा, इसमें दिक्कत हो जाएगा, तो चलो सबसे पहले इसी को कैप्चर कर लेते हैं, और देखते हैं कि कैप्चर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम नहीं लगेगा आई थिंक से, क्योंकि मल्टीप्लेयर में भी ना मेरे को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और ये है गाइज अंडर लेवल की, जैसे ये दिख रही है वह उससे तो लग रहा है ये डार्क टाइप है, चलो कोई बात नहीं, रैथ बटलर करके है इसका नेम, कुछ फीमेल लग रही है देखने से, तो चलो आ जाओ खोपड़े में फेंक दो, के नाइस, आई थिंक से 69% ये हो जाएगी गाइज कैप्चर, हाँ हो गया हो गया, चलो अपन को फाइट नहीं करना पड़ा, जल्दी से अपन ने इसको कैप्चर कर लिया, तो सही है, ये वाले स्पीड से अगर मैं प्रोग्रेस करूँ तो तुम लोग को चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताना, ठीक है, चलना चाहिए साल हो, तुम लोग फिर बोलते हो भाई ज़्यादा फास्ट जा रहे हो फिर स्लो जा रहे हो, ऐसे करके मत बोलना, ठीक है, तुमने स्लो बोला था ना इसलिए मैं इतने जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन जल्दी से ना बहुत मैक्स लेवल के बॉस के पास भी जाएंगे, एंड हर एक से ना टावर फाइट करेंगे, तुम्हें पता होगा मल्टीप्लेयर तुमने देखा होगा, तो जेट ड्रैगन ने अपन को कैसे पेला था गाइज, इसलिए मैं अभी उससे फाइट नहीं कर रहा हूँ, करेंगे, ठीक है, इसमें का तो फर्स्ट बॉस भी बचा है ना टावर वाला, तो दोनों से एक ही दिन फाइट कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, बस अपने पास कुछ पावरफुल मिराइबोज आए, तुम लोग देखो गाइज सोलो तुम्हें ज़्यादा पसंद है तो सोलो का एडवेंचर देखो, अपन मैक्स जाके टीम करेंगे, और ओके वो रहा अपना, वो भी मिराइबो सो रहा है फ्लाइंग वाला, वाइंड रिवर नेम है ना शायद से इसका, एंड यप ये आसपास के डॉन वगैरह को मैंने कैप्चर कर लिया था, ये बेस में रेड करने के लिए आए थे उसी टाइम मैंने कर लिया था, तो यप 5 लेवल के आए थे तो मैंने बॉल फेंका तो हो गया, तो यप इसीलिए, बाकी चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे भीड़ है गाइज, और यहाँ पे ना देखते ही एग्रो हो जाते हैं, एक काम करता हूँ इसको पहले अपन उसके पीछे में बॉल फेंक कर देखते हैं, शायद से एक बॉल में अगर ये कैप्चर हो जाएगा तो अपन को लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, देखते हैं गाइस आ जाओ फेंक के देखते हैं होता है, ओके अबे यार ये देख रहे हो इसीलिए ना मेरा दिमाग ख़राब ज़्यादा होता है यहाँ पे, और ये ग्लिच क्या होता है अभी जंप करते हो तो ये रुक क्यों जाता है गाइस, ये गेम ही क्या बोलूँ इस गेम को कसम से, बाकी चलो कोई बात नहीं, वो तो कैप्चर हो गया, वो देख रहे हो गाइज मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैसेज पढ़ के मेरे को पता चला कि वो कैप्चर हो गया, चलो सही है, ये देख रहे हो गाइज ये क्या ग्लिच हो रहा है यार, मेरा तो दिमाग ख़राब ऐसे ही होता है, ओके चलो कोई बात नहीं, मार दिया अपने इसने अपने चिल ब्लेड ने उसको, चलो बेस आ गए, आ जाओ देखते हैं अपन ने कैप्चर किया वो काम का है कि नहीं, मेरे को ना पैसिव स्किल माइनस में नहीं चाहिए यार, बाकी अगर पैसिव स्किल ना भी हो ना तो चल जाएगा,
बाकी ये भी कुछ खास नहीं है गाइस, हैंडीवर्क नॉर्मली काम करती है, तो यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है इसका बेस में। चलो ठीक है, इसको मैं टीम में भी नहीं रखूँगा, मेरे को कुछ खास पसंद है भी नहीं, इसके बराबर में ही है। हाँ इसकी जगह नहीं अपन ये, मुझे ना गाइस ज़्यादातर डाइनो को ना माइनर रखना है अपने बेस में, ताकि वो मेटल को टाइम टू टाइम तोड़ते रहें, ये माइनिंग नहीं करते यार। मेरे को माइनिंग लेवल 3 वाला या फिर 4 वाला चाहिए गाइस, कोई मेरा वो सिर्फ मेरे पास ना अभी मैक्सिमम 2 ही वाले हैं। तो चलो इस नल्ले को मैं रख देता हूँ इसकी जगह पे, वैसे भी ये कुछ खास काम नहीं करती। मैंने सोचा था वो केमिकल एक्सट्रैक्ट देगी, लेकिन वो साली सिर्फ वेनम ग्लैंड्स ही देती है, तो मेरे पास बहुत हो गया तो उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, एंड इसका ना वुड वाला बंद कर देंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता अभी वुड तोड़ें ये लोग, क्योंकि वुड बहुत सारा तोड़ चुके हैं। तो चलो ये, अबे यार गाइज अपना वाइंड रिवर को साला सब स्किल माइनस में है इसका, घटिया है गाइज ये। चलो कोई बात नहीं, अभी एक फ्लायर चाहिए तो अभी मैं रख लेता हूँ, बाद में अपन दूसरा वाला वाइंड रिवर कैच कर लेंगे। यार ये क्या बकवास है गाइज, मैं तो ऐसे ही में मेरा दिमाग पगलाता है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें कि इतना घटिया पैसिव स्किल कैसे आ सकता है भाई किसी का, साला तीनों माइनस में, धात तेरी का। चलो आ जाओ, कोई नहीं, अभी इसके लिए सैडल वैडल बनाते हैं, देन अपन एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। वो ऑरोरा बॉस भी है ना, उसको भी अपन ये वाले में कैप्चर करेंगे। बाकी चलो इसका ना वुड वाला मैं बंद कर देता हूँ। हाँ ये गाइज क्या बोलते हैं, अनाउंसिएटर स्टेशन है, इसमें तुम लोग तुम्हारे मिराइबो क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसका मैं हटा देता हूँ, चलो हटा दिया, नाइस। एंड इसका सैडल वो पिंक वाले टेबल में बनता है, हाँ यहाँ से बनता है इसका सैडल। आ जाओ देखते हैं, ये नहीं है, और आई थिंक से मैंने उसका ओपन नहीं किया ना शायद अभी, हाँ मैंने ओपन नहीं किया हुआ है शायद गाइज उसका सैडल। चलो ठीक है, अरे वो मेरा क्या बोलते हैं मल्टीप्लेयर एंड 100 डे में खेल के याद रह गया था ना, मतलब उसमें भी सेम चीज़ किया था, तो चलो कोई बात नहीं। उसका 22 में आई थिंक से ओपन होता है, ये 20 22, हाँ ये रहा शायद से, हाँ यही है। चलो नाइस, अबे ओपन हुआ नहीं क्या, हो चलो हो गया, पता नहीं गाइज लेट हो रहा है। अरे यार ये सर्वर मेंटेनेंस देते तो यार ग्लिच चालू हो जाता है पता नहीं क्यों। बाकी चलो सैडल बनाते हैं, एंड सैडल बनाने का स्पीड देखो गाइज मेरा, मतलब सैडल बहुत तेज़ी में बन जाता है, लेकिन बाकी चीज़ वो जो गन होता है ना एंड आर्मर वगैरह वो नहीं बन पाता। उसके लिए मेरे को शायद से कोई असेंबली लाइन को क्राफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें एट द सेम टाइम ना अपने मिराइबोस 2-3 साथ में काम करते हैं उसके ऊपर, तो वैसा बनाएंगे गाइज बनाएंगे। ठीक है, अभी तो यार मतलब थोड़ा सा वो कर रहे हैं अपन। बाकी चलो आ जाओ, इसको मैं इसमें रख देता हूँ, ये रहा अपना वेनम ग्लैंड्स, देख रहे हो मतलब इसमें नहीं है वो जो मैंने रेंच में बनाया ना उसमें बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स जमा कर दिए हैं। बाकी चलो ये पिघलते रहना चाहिए गाइस, ये इसका प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरत पड़ता है उसका मेटल इंगट्स का, नेल्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे अभी मेरे को। बाकी चलो आ जाओ, उड़ाते हैं इसको साला। अरे गाइस मैं सच में क्या बोलूँ तुम लोगों को, मेरे को इसको ठीक हेयर वी गो गाइज, अपन पिंको नेम का मिराइबो के पास पहुंच चुके हैं, तो अभी अपन इसको कैप्चर करेंगे। मस्त दिख रही है यार ये, देख रहे हो सही है ना, ये माइनर होती ना मज़ा ही आ जाता, लेकिन हाँ पता नहीं यार ये मेरे को ना फेरी टाइप दिख रही है, लेकिन इसमें फेरी टाइप एग्जिस्ट नहीं करते हैं शायद से। चलो कोई नहीं, हाँ तुम्हें याद आया ये किसका है, ये है अपना ब्रॉन्ज चेरी का। तो चलो गाइज अपन नॉर्मली बॉल फेंक के कैप्चर नहीं करेंगे यार, थोड़ा सा फाइट भी करते हैं वाले एपिसोड में है ना, तो ऐसे मज़ा आएगा। बाकी ये ले, ओके वो मार रहा है उसको, ठीक है ठीक है। एक तो मैं ग्लिच के कारण जंप नहीं कर रहा हूँ गाइस, एक काम करता हूँ मैं इसको जल्दी से ना कैच ही कर लेता हूँ यार साला, मैं रीस्टार्ट करूँगा गेम को, मैं ये ग्लिच के साथ तो नहीं खेल सकता, मैं बहुत इरिटेटिंग लगता है यार वो ग्लिच। बाकी हो गई कैप्चर शायद से ना, हाँ हो जाएगी, ओके नाइस। चलो गाइस ये कैप्चर हो गई और अपना लेवल 35 हो गया, नाइस। चलो यार मैं जल्दी से साला इसको रीस्टार्ट करता हूँ, या फिर ये सर्वर मेंटेनेंस का टाइम खत्म होने देता हूँ तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। The next day. चलो फाइनली ये सर्वर मेंटेनेंस का साला नाटक खत्म हुआ गाइस, आ जाओ अभी अपन चल रहे हैं ऑरोरा बॉस को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, इसको भी मैंने मल्टीप्लेयर में कैप्चर कर रखा है, तो इसको भी देखो ये वाले एरिया में ना ज़्यादातर बॉस नहीं है गाइस, बस थोड़े बहुत ही हैं, तो इसको जल्दी जल्दी कैप्चर कर रहा हूँ, जो बचेंगे ना उसको अपन बाद में कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, जो हाई लेवल के होंगे उसको। तो चलो अभी यहाँ पे भीड़ है, एक काम करता हूँ मैं इसके पीछे ना बॉल फेंक के देखता हूँ इससे, क्योंकि अबे यार उठ गया, चलो कोई बात नहीं, बॉल मैंने फेंक दिया 51%, कैप्चर नहीं होगा, नहीं भी हुआ और लड़ना पड़ेगा गाइज उसको, थोड़ा सा लो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई इसके पास, इसलिए मैं ऐसे फाइट नहीं करता हूँ ज़्यादातर टाइम। बाकी चलो कोई बात नहीं, अभी तो लड़ना पड़ेगा, अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं है,
मल्टीप्लेयर में शायद से इसको ही कैप्चर कर, पता नहीं किसको तो कैप्चर कर रहा था शायद से, तो मेरे को पीछे से मार रहे थे ना वो 100 डे में, देखना साला दिमाग खराब करके रख दिए थे, पीछे से कोई मार रहा था भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला आ गया था पता नहीं कोई सा। कोई बात नहीं गाइज, ये वाइंड रिवर वैसे ही उसको मार तो रहे, इसका भी हेल्थ कम हो गया है एटलीस्ट। ये फ्लाइंग टाइप है ना, आइस टाइप पता नहीं वही मार रहे हैं, नहीं वाइंड रिवर कर रहे हैं अपना अटैक। अरे यार ये चलो कोई बात नहीं, मैंने स्विच करता हूँ गाइज इसको, इसका हेल्थ वैसे भी लो हो गया और ये ज़्यादा डैमेज भी नहीं दे रहा। किसको बुलाएं, अपने चिल ब्लेड को बुलाना। अबे यार कौन, फिर कौन आ गया यार, ये देख रहे हो गाइज। अबे यार जा चिल ब्लेड भाई, ये हराम का पिल्ला ये मार रहा है मेरे को, पता नहीं यार कौन मार, ये सब के सब एक साथ कैसे एग्रो हो गए भाई, मैं इनके पास भी नहीं है गाइज ये। अरे यार यही दिक्कत होता है इसके पास, मेरा ना ये इसी में माथा खराब होता है सच में। देख रहे हो साले सभी मेरे को टारगेट कर रहे हैं, वो बॉस वाला भी। अबे नहीं मैं लो हो गया अभी यार। अरे यार ये बॉस ने मेरे को मारा है यार, इसकी माँ का। रुको अब तो इनको पहले मारूंगा मैं सालों को। ये कौन मार रहा था, ये मार रहा था ना। ओके इसका हेल्थ अभी भी उतना है गाइस, ये बॉस वाले का। अबे यार ये फुल हो गया कैसे, इसका हेल्थ कैसे, ये फिर एग्रो हो गया, इसकी माँ का मार। अरे यार मार भी तो नहीं सकता गाइस, मेरे पास साला वेपन ही नहीं, भूल गया था, वो रहा मेरा सारा सामान, देख रहे हो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने बॉली फेंक दिया उसके ऊपर गलती से। अबे मार रहेगा, अभी जल्दी मेरा सामान ले यहाँ से, इसको कर लेते रिसीवर। अबे होना रिसीवॉल होना, ओके हुआ। अरे यार ये कि डैमेज पड़ गया गाइस, बेजबरन का डैमेज पड़ गया मेरे को, देख लो साला इसको कहाँ है। रो अब तो इनको सबसे पहले मारूंगा गाइस, उसको कैप्चर करने से पहले ना इसी को मारूंगा। कहाँ है, कहाँ वो साला। अरे यार ये हराम के पिल्ले, ये क्यों एग्रो होते हैं मेरे पे, ये साले नाल के पट्टे, ये बुलडॉग, ये क्या बकरी की क्या है यार, ये घटिया सा मोटा भद्दा पैल इसको। अरे यार चिल ब्लेड भी मर गया गाइज उनके चक्कर में, मैंने ध्यान ही नहीं दे पा, अपने को बचाऊं या फिर उनको बचाऊं यार, ये बताओ तुम लोग। ये देखिए ये देखो एक काफ़ी नहीं है साला, दोनों फायर अटैक कर रहे हैं और बर्न हो जाता है, एक अटैक में मैं बर्न हो जाता हूँ, और जब मैं अपना फायर क्रॉस बो चलाता हूँ साला ये लोग बर्न होते ही नहीं है बताओ। अब मार भाई चिल ब्लेड, ये क्या बोलते हैं इसको, बैरीगॉन यार, एक को मारा इसने, इसको भी मार दे साले नल्ले को। चलो ओके अबे मारना बैरीगॉन, ये भी ठिलने वाला है गाइज ये साला। अबे यार ऊपर से वो भी एग्रो हो गया, ये क्या हो रहा है गाइस, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, इसको मारो। ये बेला कहाँ से आया है, ये पोर्क्यूपाइन जैसे, ये क्या है जॉग। अरे यार इनने दिमाग खराब कर रखा गाइस मेरा तो, दूर चलो भाई दूर। ये देखो मेरा एचपी भी, मैं यहाँ पे फिर से नहीं ठिलना चाहता हूँ, एक बारी तो मर गया साला, और कितने बार ठिलूंगा। मार रहे अभी किसको मार, अरे इसको मारना यार नल्ले यार, जा तू ही मार, उसको मैंने बेजबरन का बुलाया गाइस, वो साला नल्ला है एक नंबर का, धत तेरी का। ऊपर से मैं और बर्न हो गया, नहीं मैं ठिल नहीं सकता। अबे यार ये उसका वो भी आ रहा है एसिड रेन आ रहा है, नहीं प्लीज बर्न हट ना यार, शील्ड भी नहीं है गाइस मेरे पे। ओके मार दी, ओ चलो फाइनली यहाँ के हर कुत्ते मर गए। को मैं एक काम करता हूँ, उसके पीछे मैं फिर एक बॉल फेंक के देखूंगा, उसको घूमने दो, ये फिर से मेरे साइड सीर कर लिया। 57% चांस है और हुआ, अबे नहीं हुआ यार गाइज, डैमेज देना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ मैं बॉल फेंक देता हूँ, इसका रेन आ रहा है गाइज, और मेरा शील्ड भी जा चुका है इसको। हाँ जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, चलो रेन से बच गया ना। हाँ ओ हो गया कैप्चर, हो गया, नाइस। चलो गाइज ये वाला भी नल्ला कैप्चर हो गया, और लेवल नहीं बढ़ा, 35 लेवल के हैं तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है गाइज, बेस चलो यार। मेरा एचपी देखो साला, ना एचपी है मेरे पास ना शील्ड है। अबे यार अभी इसका सैडल वेडल भी पता नहीं कौन से लेवल पे ओपन होगा, होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे गाइज, बेस चलो यार, बेस चलो भाई, पूरी बैंड बच चुकी है यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली एट द लास्ट में अपन ने कैप्चर तो कर ही लिया, एंड देखो अपन ने ये वाले एपिसोड में शायद से चार, ये वाले एरिया के चार बॉस को कैप्चर कर लिया है, एंड गेम प्ले भी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो तुम लोग एक बार ही प्रोग्रेशन बताना, ठीक है इतने स्पीड में अपन खेल सकते हैं क्या, मज़ा भी आएगा, और जल्दी जल्दी अपन न्यू बायोम्स पर भी जा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना सही है, बाकी चलो आ जाओ देखते हैं। ये रही अपनी वो, ओके वो नाइस, इसके पास पैसिव स्किल प्लस में है, माइनस कोई भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्लांटिंग करती है गाइस 3 लेवल की। हाँ चलो कोई बात नहीं, उसको फाइटर रख लेंगे अपन, बढ़िया है कोई बात नहीं। ये बैरीगॉन की जगह पे इसको रख लेते हैं, बैरीगॉन वैसे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता मेरे को, एंड ये वाला चेंज करना पड़ेगा अपन को फ्लायर को, तो ठीक है। ये बी के पास भी बेकार वाला पैसे उसके लिए, तो उसको भी हटा सकते हैं अपन, हटाएंगे, एंड ये वाले को भी रख लेते हैं, इसके पास माइनस में है यार, इसको भी दूसरा वाला कैच करना पड़ेगा गाइस, देख लो साला माइनस पैसिव स्किल। खैर कोई बात नहीं, उसका सैडल भी अपन देख लेंगे कौन से लेवल पे ओपन होता है। और ये देखो ये फिर ग्लिच,
ये गेम में भाई इतने ग्लिच है ना, ये लोग इनको ये फिक्स करना चाहिए, बाकी अब क्या कर सकते हैं यार, गेम वालों की मर्जी। बाकी चलो गाइज, आई थिंक आज के लिए तो फिर बस इतना ही। आई होप ये वाला गेम प्ले तुम सभी को पसंद आया होगा तो गेम प्ले को एज ऑलवेज लाइक करना। मेक श्योर न्यू आ गए हो चैनल पर तो चैनल के गेम प्ले को चेकआउट कर लेना, एंड इफ तुम इंजॉय करते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है, चैनल को। बाकी चलो अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेम प्ले में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।